चलिए पाली से फिलहाल बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। राज्य सरकार के आदेश के बावजूद मीणा और मीना में फंसा पेच। पाली जिले में एलजीसी भर्ती में मीणा जाति प्रमाण के कारण नियुक्ति नहीं दी। एलजीसी भर्ती 2018 के बैकलॉग में सुग्रीव मीणा का पदस्थापन। स्थानीय प्रशासन ने सुग्रीव मीणा के जाति प्रमाण पत्र को वैध नहीं माना यहां पर, जबकि राज्य सरकार पूर्व में आदेश दे चुकी है, लेकिन उसके बावजूद आदेश में मीणा और मीना को सरकार ने एक ही माना है, लेकिन उसके बावजूद ये मामला पूरा सामने आ रहा है। सिर्फ बोली का फर्क है, मीणा और मीना एक ही जाति है। राज्य सरकार आदेश दे चुकी है, सुग्रीव मीणा इस कारण परेशान हो रहा है क्योंकि दोनों इनमें मीणा और मीना पेच फंस गया है। मीणा समाज ने मुख्यमंत्री गहलोत से इसकी शिकायत की। एससी एसटी ओबीसी नेता राजपाल मीणा ने सीएम को ज्ञापन भी भेजा। इस वक्त की बड़ी खबर पाली से, राज्य सरकार के आदेश के बावजूद मीणा और मीना में पेच फंसा हुआ है। पाली जिले में एलजीसी भर्ती में मीणा जाति प्रमाण के कारण नियुक्ति नहीं दी, लेकिन पहले से कहा गया है, राज्य सरकार का आदेश है कि मीणा और मीना दोनों एक ही हैं, लेकिन उसके बावजूद मीणा होने के चलते जाति प्रमाण पत्र को यहां पर वैध नहीं माना गया। राज्य सरकार पहले ही आदेश दे चुकी है, लेकिन उसके बावजूद ये पूरा मामला यहां पर सामने आ रहा है। आदेश में कहा गया है कि मीणा और मीना को सरकार ने एक ही माना है, सिर्फ बोली का फर्क है, जाति एक ही है। और अधिक बातचीत के लिए वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज जी, देखिए जब आदेश पहले से जारी किए जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद ये सब निकलकर सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि बहुत गलत चीज यहां पर निकलकर सामने आ रही है। राज्य सरकार आदेश दे चुकी है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह का मामला। देखिए मनीषा, बहुत ही गंभीर विषय है क्योंकि मीना और मीणा को लेकर विवाद लंबे समय से चल रहा है, लेकिन हकीकत में ये सिर्फ बोली और भाषा का अंतर है। जिस तरह पानी को पानी भी बोल दिया जाता है, उसी तरह मीणा को बोलचाल की भाषा में मीणा बोला जाता है, तो ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। राजस्थान सरकार इस संदर्भ में आदेश जारी कर चुकी है, लेकिन उसके बावजूद एक जो अभ्यर्थी है 2018 का चयनित है, उसका चयन होता है सुग्रीव मीणा नाम के व्यक्ति का, और पाली जिला कलेक्टर में पदस्थापन होता है, लेकिन जब पदस्थापन के लिए जाता है तो उसे रोक दिया जाता है क्योंकि उसके जाति सर्टिफिकेट है उसमें मीणा लिखा हुआ है मीणा की बजाय। तो उस व्यक्ति की मनस्थिति का आप अंदाजा लगा सकते हैं, उसने कितने लंबा संघर्ष किया होगा उस नियुक्ति के लिए, उस नौकरी के लिए। और जब वो एक सामान्य सी जो सरकार इसमें स्पष्टीकरण दे चुकी है, पूरा आदेश जारी कर चुकी है, जब सरकार कोई आदेश जारी करती है, अध्यादेश जारी करती है, तो पूरे जो सभी तहसील से लेके पंचायत स्तर तक वो आदेश पहुंचता है, लेकिन इसके बावजूद जो स्थानीय प्रशासन है कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही है और वो जानबूझकर इस मामले को अड़ंगा देना चाहते हैं। लेकिन अब जो है पीड़ित ने भी गुहार लगाई है, एससी एसटी के संगठन है, उन्होंने भी सीएस को भी पत्र लिखा है, मुख्यमंत्री से उनका मिलने का कार्यक्रम है कि इस मामले में बार बार जो इस तरह का विवाद या पेच फंसता है तो कहीं ना कहीं उससे जो है समाज में गलत मैसेज जाता है, गलत असर जाता है कि कहीं की सरकार जो है उनकी उनको इसका लाभ नहीं देना चाहती है, क्योंकि बहुसंख्या में जो मीणा समाज के लोग हैं उनके जाति प्रमाण पत्र है मीणा के ही बने हुए हैं। ऐसे में यदि इस तरह रोड़े अटकाए जाएंगे तो उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो ये जब मामला सामने आया है तो एससी एसटी जो ओबीसी वर्ग के जो कर्मचारी नेता है राजपाल मीणा, रामस्वरूप मीणा, उन्होंने भी इसका विरोध किया है और अन्य विधायक पहले से ही इस मामले में विरोध करते रहे, लेकिन सुग्रीव मीणा की नियुक्ति का जब मामला आया है तो इस विषय में अब शायद जल्दी ही वो मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करेंगे। और क्योंकि सरकार जब आदेश दे चुकी है तो इस तरह का जो कृत्य किया, जिस भी अधिकारी ने रोकने का काम किया है, जानबूझकर रोड अटकाने का काम किया, तो शायद हो सकता है उसके खिलाफ भी मनीषा कोई कार्यवाही हो। जी नीरज जी, देखिए ये सब चीजें बहुत पहले से चली आ रही हैं इस तरीके से फर्क करना, लेकिन जब राज्य सरकार ने आदेश दे दिया, जब राज्य सरकार का आदेश यहाँ पर है, उसके बावजूद इस तरीके की चीजें निकलना, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे इलाके ऐसे होते हैं वहां पर कोई आवाज उठाने वाला नहीं होता है, इस तरह के मामले हमेशा दबकर ही रह जाते हैं। बिल्कुल मनीषा, सही कहा आपने, क्योंकि यदि ये व्यक्ति जो एक चयनित है, जिसका सिलेक्शन हो चुका है, जिसको नियुक्ति देनी है, नियुक्ति तक की सारी प्रक्रिया उसकी हो चुकी है, जब नियुक्ति के लिए वो पहुंचता है तब उसके सामने ये समस्या होती है। आप समझ सकते हैं किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता होगा, और जिस अधिकारी ने भी उसको रोकने का प्रयास किया है, कम से कम उसने एक बार उसको इस बात का एहसास दिला दिया कि जो आपका सर्टिफिकेट है वो गलत है और मैं इस पे अपॉइंटमेंट नहीं दूंगा, जबकि राजस्थान सरकार ने पहले से स्पष्ट आदेश दे रखे हैं कि मीणा और मीणा एक ही है, एक ही जाति है, एक ही वर्ग है, एक ही समाज है, दोनों अलग अलग नहीं है, सिर्फ बोली का अंतर है, क्योंकि अभी भी जो हमारी ग्रामीण प्रवेश की जनता है वो
क्योंकि जो हिंदी में जिस तरह पानी को पानी बोला जाता है वैसे ही मीना को मीना भी बोला जाता है, तो ये सिर्फ बोलचाल का अंतर है। और जब सर्टिफिकेट बनवाने जाते हैं तब वहाँ पर जो बाबू होता है वो भी अपने अनुसार ही लिखता है, किस तरह लिखता है वो भी अंदाजा तो जब, लेकिन इसके बावजूद सरकार आदेश दे चुकी है, तो जो निचले स्तर पर जो अधिकारी बैठे हैं उनको भी सरकार के आदेशों का पालन करना चाहिए, न कि किसी काम में व्यवधान हटाकर सरकार को बदनाम करने का काम करना चाहिए। तो जो कृत्य जिस भी अधिकारी ने किया है हो सकता है उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो और सरकार को नए सिरे से इस तरह के जो रोड़े अटकाते हैं उनके खिलाफ एक्शन लेने की भी जरूरत पड़ेगी, तो हो सकता है उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो। मनीषा जी, नीरज जी बहुत शुक्रिया आपका, तमाम जानकारी आपने साझा की। राज्य सरकार पहले आदेश दे चुकी है लेकिन उसके बावजूद इस तरीके का मामला पाली से सामने आया।